बट्टू कलां के देवलाल टाउन पार्क में अखिल भारतीय किसान सभा कमेटी तहसील कमेटी की मीटिंग हनुमान बेड़वाल की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस मीटिंग में जिला प्रधान कामरेड विष्णुदत्त शर्मा ने बतौर मुख्य वक्ता भाग लिया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार लगातार धरने प्रदर्शन के बावजूद भी किसानों के मुद्दे हल करने की बजाय किसानों के खिलाफ नए नए कानून बना रही है। किसानों के लंबे संघर्ष के बाद भी 2020 में सफेद मक्खी से खराब नरमा कपास का मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि 2022 में भारी बरसात और जल भराव से खराब नरमा फसल का मुआवजा नहीं देना लगातार किसानों पर आर्थिक बोझ के बावजूद भी फसल बिक्री पर टैक्स लगाना, किसानों की जरूरत के मुताबिक फसल के लिए पानी देने की बजाय नहरों के पास 100 मीटर की दूरी तक ट्यूबवेल को उखाड़ने का तुगलकी फरमान जारी करना, महिला कोष से छेड़छाड़ मामले में खेल मंत्री को तुरंत इस्तीफा देने व रिटायर्ड जज से जांच करवाई जाए व स्कूलों के में खाली पदों पर अध्यापकों की भर्ती की जाए सहित अनेक मुख्य मांगों को लेकर अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा 9 जनवरी को संयुक्त मीटिंग किसान सभा खेत मजदूर यूनियन सीटू द्वारा नायब तहसीलदार को मांग पत्र दिया जाएगा। इसके बावजूद भी अगर समय पर सुनवाई नहीं हुई तो उप तहसील कार्यालय पर धरना दिया जाएगा। इस अवसर पर वजीर सिंह सियाग, मनोहर लाल शर्मा, किशन चंद्र, बाल सिंह, किशोरी लाल, लीलू राम, रामकरण, प्रेम शर्मा, राजू बेनीवाल, हवा सिंह बेनीवाल सहित अनेक लोग मौजूद रहे और उन्होंने अपनी अगली कार्रवाई पर चर्चा की। गांव भट्टू कला से एक घर का ताला तोड़कर चोरों ने फ्रिज व अन्य सामान चुरा लिया। चोरी की सूचना पुलिस को दे दी गई। पुलिस को दी शिकायत में भट्टू कला निवासी कमल ने बताया कि उसका मकान रामदेवरा चौक के पास स्थित है, वहां जहां वह पढ़ाई करने के लिए जाता है, अन्यथा वह अपने मामा के पास भट्टुकला में चला आता है। मंगलवार रात्रि को वह भट्टू मंडी में अपने मामा के पास रह रहा था और सुबह जब वह अपने वहां घर पर गया तो घर के मेन गेट का ताला वह अंदर के कमरे का ताला टूटा हुआ था, जिस पर अज्ञात व्यक्ति उसके घर में रखा फ्रिज, एक कम्बल, अन्य सामान चुरा के ले गया, जिस पर उसने इसकी सूचना पुलिस को दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भट्टू मंडी के बेनीवाल मेडिकल हॉल से दान पात्र चुराते एक युवक को बुधवार को मौके पर पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। बेनीवाल मेडिकल संचालक दीपक ने बताया कि सुबह सुबह उसने अपने मेडिकल स्टोर का एक शटर उठाया वह दूसरे को खोलने लगा तो एक युवक चालाकी से काउंटर पर रखा गौशाला का दान पात्र उठा कंबल में छिपा कर चलने लगा, जो कि मोटरसाइकिल पर आया था। उसने संदेह होने पर उससे अन्य दुकानदारों की मदद से मौके पर ही दबोच लिया। इस संबंध में तुरंत 112 पर डायल किया गया, जिस पर पुलिस मौके पहुंची और युवक को पुलिस के हवाले कर दिया। उसने बताया कि युवक के पास इंजेक्शन लगाने के को लेकर सिरिंज भी थी, जिससे अंदेशा लगाया जा रहा है कि वह कोई नशेड़ी था। थाना प्रभारी सादेराम ने बताया कि युवक के खिलाफ कोई शिकायत लिखित में नहीं आई है।